अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये बड़े मज़े की वीडियो होने लगी है और थोड़ी सी इमोशनल वीडियो भी है उन लोगों के लिए जो कि पीटीआई के सपोर्टर हैं और इमरान खान के सपोर्टर हैं। ये मेरी अपनी कैटेगरी की दूसरी रिएक्शन वीडियो है और एक वीडियो मैंने देखी थी कुछ अर्सा पहले जो कि क्रिक इन मूड एक है यूट्यूब चैनल है, उन लोगों ने बनाई थी और उसको एडिट किया था सुलेमान खान साहब ने। तो वो वीडियो जो थी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, बहुत से लोगों ने उसको देखा है, बहुत से लोगों की उसके रिएक्शन वीडियो भी है। तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं भी उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो करूं और देखूं कि जो मेरे व्यूज़ हैं और जो सब्सक्राइबर हैं उनका कैसा उसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है। तो मैं अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखें और फिर उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, मैं अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों की स्क्रीन पे भी ये वीडियो प्ले होगी। चले जी, मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ। क्रिक इन मोड। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने वो रास्ता जारी कर दिया है। जमीनी तरीके से इमरान खान को घर भेज दिया गया। इस तरह दिल्ली के अदम एतमाद के मुतहद अफसोस की जान के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मुस्तफी हो गए हैं। मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता, मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। नून लीग वाला भी कोई नहीं है। आज हर तारीख में लिखा जाएगा कि दुनिया में एक ऐसा लीडर भी था जिसको खरीदने के लिए दुनिया की दौलत कम पड़ गई। इमरान खान के जाने से ऐसा गम में निढाल हुआ है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं सकते की हालत में। इमरान खान ने आके हम कबाइली आवाम को शऊर दिया, हमारे ऊपर रोज ड्रोन हमले होते थे। होती नहीं जो कौम हक़ में यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। Absolutely not. मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पर निकल कर बताया। इमरान खान वजीर आजम बने, कोई ड्रोन अटैक हुआ है? पाकिस्तान की एयर फोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। फोर्स हमें दे या ना दे, मैं सारे पाकिस्तानियों से बात करूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोगों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना। आपने तो गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर दें। वक्त साबित करेगा कि कौन मसलूशियत है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हूँ। सच पूछे तो इमरान खान की असली स्ट्रगल असली रस्ते पर आज शुरू हो। आए गरीब इनको नहीं बताते क्या? कभी किसी के सामने झुका हूं सवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। है खुद भी आजाद रहता है और लोगों को भी बरगलाता है, उनको भी कहता है कि आजाद हो जाओ, गोरी चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता। कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है, अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अड़ जाता है, जिद करता है। अजीब आदमी है, कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों
को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा, फिर कहता है तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी, कहता है डूमोर को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा, इस किस्म की धमकियां देता है। क्या आदमी है, अजीब आदमी। अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है, उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है, उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है, उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है, वहां तो पर्ची चलती है। बैकी बैकी बातें करता है, कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर चूंटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो, ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। ये क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करेगा। ये कहता है गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है, बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको, ये कौन है, निकालो इसको। अच्छा जी, ये थी जी आज की रिएक्शन वीडियो, और काफ़ी इमोशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि इमरान खान के सपोर्टर हैं। और जब इमरान खान को आज से 4 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया था, तो हम लोगों के लिए एक बड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, पूरे पाकिस्तान के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, क्योंकि इमरान खान एक वाहिद वज़ीर आज़म आए थे 70 साल में भुट्टो के बाद, जिन्होंने ये फॉरेन पॉलिसी जो थी उसको आज़ाद करने की बात की थी, और जिन्होंने इस बात को प्रमोट किया था कि जी हम लोग किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम लोग अपनी मर्ज़ी से जिएंगे। बहरहाल वक्त गुजर रहा है और इमरान खान अभी तक अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, जहाँ पे जलसा करते हैं वहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं, चाहे वो नून लीग का शहर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का शहर हो, चाहे वो MQM का शहर हो, वहाँ पर इमरान खान जब भी जाते हैं वहाँ पर लोग अपना एक सैलाब ले कर पहुँच जाते हैं। और यही जो है चीज़ इम्पोर्टेंट है इमरान खान की, और यही एक सच्चे लीडर की निशानी है। बाकी पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले जो मर्ज़ी कहते रहें, उनकी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और हमें अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो सीधे रास्ते पे जा सकता है, और पाकिस्तान की जो आज़ादी है वो उसे मिल सकती है इन चोरों से। बाकी ये कि इमरान रियाज खान साहब ने बड़े अच्छे कलमात किए हैं इमरान खान के बारे में, आप ज़रूर उनका चैनल देखें, उनकी वीडियोज़ देखें, मैं आपको लिंक भी दूँगा, मैं ख़ुद भी उनको फॉलो करता हूँ, और भी बहुत से अच्छे एंकर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी जी एक वीडियो जो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा जी, आप लोग फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको ये रिएक्शन वीडियोस कैसी लगी हैं, आप किसी और टॉपिक पे रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं कि नहीं, और मेरी वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट हो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।